बीती रात एतमादपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 2 दर्जन से ज्यादा रथ यात्रा व झांकियां निकाली गईं। वहीं कमेटी द्वारा तमाम सारे समाज सेवियों को आमंत्रित किया गया। वहीं गणमान्य लोगों ने फीता काटकर शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा में उपस्थित लोगों का कहना था कि संविधान शिल्पी ने पूरे देश के लिए काम किया है, उसी को देखते हुए सभी जाति धर्म के लोगों ने आज इस यात्रा में भाग लिया है। शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में, सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं उनको कि उन्होंने देश का संविधान बनाया। बाबा साहब की शोभा यात्रा, इसमें सभी जातियां बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। जो महापुरुष होते हैं वो सभी के होते हैं, पर कुछ जातियों का ये मानना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सभी जातियों को संविधान में सम्मान दिया, और ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई जाति जी समझती है कि मुझे दबाने का काम किया। संविधान को जिसने पढ़ाया वो बाघू भी जानता कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, और बाबा साहब ने हमें आज SC ST के दलित पिछड़ों के लोगों के लिए काफ़ी योगदान किया है, और हम उनके इशारे पर ही चल रहे हैं। शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में हम सब बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर शरीक हुए हैं, और सबका ये उद्देश्य है कि बाबा साहब की जो है शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकले। हमारा जो सपना है वो हम लोग साकार कर रहे हैं, और अपना ये उद्देश्य है बाबा साहब के सपनों को आगे ले जा रहे हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, के आदर्शों पर चल रहे हैं, तो खुशहाल रहें और हमेशा खुश रहें सब लोग। बाबा साहब का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। रिटायर्ड प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। शोभा यात्रा की तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे शख्स की ये शोभा यात्रा है जिसने संविधान की रचना की है, और ये संविधान शिल्पी होने के साथ साथ ये इतने डिग्री होल्डर्स हैं कि इनका कोई सानी नहीं है। अच्छा माहौल है, और बाबा साहब का जन्मदिन इससे इस पहले की साल से अपेक्षा इस साल और अच्छा मनना है, और आगे भी इससे बढ़ चढ़ के मनेगा, और लोग बाहर के और अदर समाज के भी लोग इसमें पूर्ण तरीके से शामिल रहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से सहयोग और साथ रहता है। जय भीम, जय भारत। सबकी जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हर साल निकलती है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा जोर से और बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है। कितनी झांकियाँ निकाली जा रही है? कम से कम 12 झांकियाँ हैं। क्या तैयारी है युवाओं की? युवाओं ने सर बहुत अच्छी तैयारी की है, और हर साल से ज़्यादा अच्छी की है।